सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, SB पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंदापुर, इस कॉलेज के बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इंदापुर नाम का एक तालों का प्लेस है पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो पुणे सिटी से काफ़ी दूर कॉलेज है, बराबर, लेकिन काफ़ी फेमस कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी विद्या प्रतिष्ठान का नाम पता होगा, बराबर, और जिनको पता नहीं है उनके लिए ये वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखें हम कॉलेज के बारे में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एडमिशन से लेके आपके करियर तक ये चैनल आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ स्टेप वाइज हम इस कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, शाहजीराव पाटिल विकास प्रतिष्ठान, तो जैसे कि मैंने बोला ये विद्या प्रतिष्ठान इसके अंदर नहीं आता है, इसका प्रतिष्ठान का नाम अलग, जो बारामती का कॉलेज है वो विद्या प्रतिष्ठान के अंदर आता है, और ये वाला जो कॉलेज है शाहजीराव पाटिल विकास प्रतिष्ठान में आता है, ठीक है। तो SB पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वांगड़ी नाम का एक प्लेस है इंदापुर तालुका में, वहाँ पे कॉलेज है, ओके। 2009 इस्टेब्लिशमेंट है, 6319 DTA कोड है, ऑफिस का कॉन्टैक्ट है, डायरेक्ट आप फ़ोन भी कर सकते हो। DTA रीजन और डिस्ट्रिक्ट दोनों पुणे है, और एड्रेस भी देख सकते हो, विलेज वांगड़ी तालुका इंदापुर डिस्ट्रिक्ट पुणे, पिन कोड है और वेबसाइट का भी एड्रेस है, ओके। अनएडेड कॉलेज मतलब प्राइवेट कॉलेज है, नॉन ऑटोनॉमस है और नॉन माइनॉरिटी है। आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बोला ये पुणे सिटी से काफ़ी दूर कॉलेज है, बराबर। तो बिगवन एक नाम का प्लेस है, जिनको पता नहीं उनके लिए बता दूं, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से 30 किलोमीटर दूर कॉलेज पड़ेगा आपको। अगर आप बस से जा रहे हो, वहाँ से बस से जाना पड़ेगा आपको, तो क्योंकि इंदापुर जो है वो उसके पास पास रेलवे नहीं है, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उनके लिए भिगवनी है, रेलवे स्टेशन नियरेस्ट, और बस स्टैंड जो है इंदापुर का बस स्टैंड जो है वहाँ से 6 किलोमीटर दूर कॉलेज पड़ेगा आपको, और एयरपोर्ट पुणे का जो है वहाँ से काफ़ी दूर है, मतलब पुणे सिटी से काफ़ी दूर है ये प्लेस, 130 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल है दोनों, गर्ल्स और बॉयज़, तो इंटेक भी अच्छा है हॉस्टल का, 500 टोटल इंटेक है, फर्स्ट ईयर के लिए 300 सीट्स है बॉयज़ हॉस्टल में, और गर्ल्स हॉस्टल की अगर बात करते हैं तो 400 टोटल कैपेसिटी है, उसमें 125 फर्स्ट ईयर के लिए सीट है। BE डिग्री मिलती है आपको, और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को कॉलेज है एफिलिएटेड है, ओके। तो कौन से कोर्सेज अवेलेबल है ये भी हम देखते हैं, बरम। तो सिविल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल एंड डेटा साइंस जो कि अभी इंक्लूड किया है, मतलब अभी पहला बैच होगा वहाँ पे, इसका कट ऑफ शायद अवेलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तक वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ है, एक कोर्स का बैच पास आउट मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है पिछले साल। तो इलेक्ट्रिकल है, ENTC और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, ओपन कैटेगरी के लिए 63,000 ट्यूशन फी और डेवलपमेंट फी, ये दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो टोटल बन जाता है 71,000, और अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो या फिर EBC कैटेगरी में, जिनको क्या होता है 50% यहाँ पर कंसेशन होता है, किस चीज़ में, 50% ऑफ ट्यूशन फी, तो इनका कितना बन जाएगा, 63 का हाफ कर दो आप, 31,000 पकड़ लेते हैं, 31 प्लस ये वाला 7,000, उसको 8K पकड़ लेते हैं, और ये 39,000 के आसपास बन जाएगा जिनका 50% ये ट्यूशन फी में कंसेशन होता है। अब मान लीजिए कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जिनको ट्यूशन फी में 100% कंसेशन होता है, तो उनके लिए टोटल कितना बन जाएगा, जैसे कि NT वगैरह, बराबर, तो उनके लिए टोटल फीस बन जाएगा सिर्फ 8,000, और कुछ कैटेगरीज SC ST में से कुछ कोई कैटेगरी ऐसी हो सकती है जिसको यहाँ पर भी 100% कंसेशन होता है, बराबर, तो उनके लिए बन जाता है, ये तो ज़ीरो बन जाएगा, प्लस जो भी एक्स्ट्रा फी होगा तो 3-4 हज़ार के आसपास उनका फी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे फी स्ट्रक्चर कैलकुलेट किया जाता है, ओके। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि कट ऑफ, तो लास्ट ईयर का कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग का तो काफ़ी यहाँ पर कट ऑफ कम है क्योंकि ज़्यादा एडमिशन्स यहाँ पर नहीं होते होंगे सिविल के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ। तो अगर आपको पुणे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करना है और आपका स्कोर जो है वो 40-45% के आसपास है, परसेंटाइल के आसपास है, तो आपको ये कॉलेज में आप एडमिशन ज़रूर ले सकते हो, या फिर आप इस कॉलेज के आसपास इंदापुर तालुका में रहते हो, उसके आसपास में रहते हो और आप चाहते हो इसी कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आपके लिए अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूँ कैटेगरीज, अगर NT1 NT2 अगर किसकी बात करें, तो NT1 के लिए तो सिर्फ 10% परसेंटाइल है, NT2 41% परसेंटाइल है, NT3 34, और OBC के लिए तो और कम है, 27% है। तो इतने कम स्कोर में भी आपको यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसा कोर्स मिल जाएगा, और ऑल इंडिया कट ऑफ भी 43% परसेंटाइल है पिछले साल का JEE मेन से,
TFWS और EWS 69 और 80 परसेंटाइल है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है, रिसर्च कीजिए बराबर आपके स्कोर के। सबसे सारे के सारे पुणे के कॉलेजेस चैनल पर अवेलेबल है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस पुणे प्ले लिस्ट है उसके अंदर, तो आप वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। हर एक कॉलेज के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे देख सकते हो आप। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी बहुत कम है। अगर आपको कंप्यूटर नहीं मिलता है, मान लीजिए उससे भी कम आपका स्कोर है, मान लीजिए 10 परसेंटाइल ही आपका स्कोर है, तो ENTC जैसा कोर्स मिल रहा है आपको, वो भी अच्छा है। अगर आपको आगे जाकर IT इंडस्ट्री में करना है तो ENTC से भी बहुत सारे बच्चे IT में काम करते हैं, ठीक। और मैकेनिकल की अगर बात करते हैं तो सिर्फ 9% कट ऑफ है, बराबर। तो आई होप मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी है इस कॉलेज के बारे में, जिससे कि आपको हेल्प हो, कॉलेज कैसा है, इसको अप्लाई करें ना करें। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आप खुद भी शेयर कर सकते हो, जिसको भी आपको चाहिए ज़रूरत लगती है उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, या फिर लाइक करने के बाद भी यूट्यूब खुद इसे ज़्यादा प्रमोट करता है। और वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हो, चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो हर कदम ये आपके एकेडमिक्स में, आपके करियर तक ये चैनल आपको हेल्प करेगा। तो रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं एक और ऐसे ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।